बच्चों, मैं आपकी मैम ज्योति सेंगर। आज हम सामाजिक अध्ययन का पार्ट 7 चैप्टर 7 शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है हमारे सहायक। आप भी अपनी बुक खोल लीजिए और मेरे साथ साथ चैप्टर को पढ़िए। बच्चों, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 7 हमारे सहायक। हम अपने सभी कार्य स्वयं नहीं कर सकते। कुछ कार्यों को करने के लिए हमें दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। वे सभी व्यक्ति जो भिन्न भिन्न कार्यों में हमारी सहायता करते हैं, सहायक कहलाते हैं। बच्चों, जैसे कोई काम हम खुद नहीं कर सकते, इसलिए हमें दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। वे सभी व्यक्ति जो भिन्न भिन्न कार्यों में हमारी सहायता करते हैं, सहायक कहलाते हैं। इनकी सहायता से हमारे कार्य सरल हो जाते हैं। आइए हम कुछ सहायकों को के विषय में जानते हैं। सबसे पहला है बच्चों, अध्यापक। विद्यालय में हमें अध्यापक पढ़ाते हैं। वे हमें अच्छी आदतें भी सिखाते हैं। बच्चों, विद्यालय में हम स्वयं नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमें अध्यापक की सहायता लेनी पड़ती है। नंबर 2 है बच्चों, किसान। किसान हमारे लिए अनाज, फल, सब्जी आदि उगाते हैं। बच्चों, हम अपने लिए अनाज, फल, सब्जी आदि खुद नहीं उगा सकते, इसलिए हमें किसान की मदद लेनी पड़ती है। नंबर 3 बच्चों, डॉक्टर। हमारे बीमार हो जाने पर हमारा उपचार करते हैं। बच्चों, हम बीमार हो जाते हैं तो हम अपना इलाज खुद नहीं कर सकते, इसलिए हमें डॉक्टर की सहायता लेनी पड़ सकती है। बीमार हो जाने पर हमारा इलाज डॉक्टर करते हैं। बच्चों, अगला है पुलिस। पुलिस हमारी जान माल आदि की रक्षा करती है। अगला है बच्चों, दर्जी। दर्जी हमारे लिए सुंदर सुंदर वस्त्र सिलते हैं। बच्चों, हम अपने कपड़े वस्त्र खुद नहीं सिल सकते, इसलिए हमें दर्जी की सहायता लेनी पड़ती है। सही मिलान कीजिए। अनाज कौन उगाता है बच्चों? बच्चों, अनाज किसान उगाता है। रक्षा कौन करता है? पुलिस हमारी रक्षा करती है। उपचार कौन करता है? बच्चों, डॉक्टर हमारा उपचार करता है। सिलाई कौन करता है बच्चों? दर्जी हमारे कपड़ों की सिलाई करता है। क्या आप जानते हैं बच्चों, पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों को पुलिस महानिदेशक कहते हैं। अगले पृष्ठ पे आइए बच्चों, अगला पेज पे। अगला है धोबी। हमारे कपड़े धोता है और उन पर इस्त्री करता है। दूध वाला हमारे लिए दूध लाता है। बढ़ई हमारे लिए मेज, कुर्सी, अलमारी आदि बनाता है। सब्जी वाला हमारे लिए ताज़ी ताज़ी सब्जियां लाता है। बेकर हमारे लिए डबल रोटी, बिस्किट बनाता है। माली हमारे बाग बगीचों की देखभाल करता है। बच्चों, अभी आपने पढ़ा, अध्यापक हमें विद्यालय में पढ़ाते हैं। किसान हमारे लिए अनाज, फल, सब्जी आदि उगाता है। डॉक्टर हमारे बीमार हो जाने पर हमारा उपचार करता है। पुलिस हमारी जान माल की रक्षा करती है। बच्चों, ये चैप्टर अब यहीं ख़त्म होता है। आइए अब हम इसका अभ्यास शुरू करते हैं। हम प्रश्नोत्तर, सही विकल्प, रिक्त स्थानों की पूर्ति आदि ये सब करेंगे। नंबर का पे है बच्चों, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। विद्यालय में हमें कौन पढ़ाता है? बच्चों, इसके 3 ऑप्शन हैं, चपरासी, डॉक्टर, अध्यापक। बच्चों, नंबर 3 अध्यापक पे अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर 2, हमारे वस्त्र कौन सिलता है? बेकर, दर्जी, किसान। बच्चों, हमारे वस्त्र दर्जी सिलता है, तो सेकंड नंबर का जो है उस पे अपने को राइट का निशान लगाना है। बच्चों, नंबर 3 पे है, मालिक इसकी देखभाल करता है, बगीचों की, खेतों की, घरों की। बच्चों, सबसे फर्स्ट वाले पे अपने को राइट का निशान लगाना है, बगीचों की। माली बगीचों की देखभाल करता है। नंबर खा पे है बच्चों, सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारा नंबर 1 पे है, हमारा उपचार करता है, डॉक्टर हमारा उपचार करता है। पुलिस नंबर 2 पे है, पुलिस हमारी जान माल आदि की रक्षा करती है। नंबर 2 पे हमको जान माल भरना है, बीच में रिक्त स्थान में जो जान माल भरना है। बच्चों, अब अगले पेज पे आएंगे। नंबर 3 पे है, डबल रोटी, बिस्कुट आदि बनाता है। यहाँ पे अपने को बेकर भरना है, बेकर डबल रोटी, बिस्किट आदि बनाता है। नंबर 4, हमारे कपड़े धोता है। हमारे कपड़े बच्चों कौन धोता है? धोबी। तो यहाँ पे अपने को धोबी भरना है, रिक्त स्थान में धोबी भरना है। नंबर गा पे है बच्चों, सही कथन पर सही का और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 पे है, किसान अनाज उगाता है। ये सही है बच्चों, इसलिए अपने को इसके सामने राइट का निशान लगाना है। नंबर 1 पर राइट का निशान लगाना है, किसान अनाज उगाता है, ये सही है। नंबर 2, पुलिस चोरी करती है, ये गलत है।
बच्चों नंबर दो पे गलत का निशान लगाना है। नंबर तीन, बड़ा ही हमारे लिए दूध लाता है, ये गलत है। बच्चों बड़ा ही हमारे लिए दूध नहीं लाता है, दूध वाला हमारे लिए दूध लाता है, इसलिए ये नंबर तीन वाला गलत है, तो इस पे गलत का निशान लगाएंगे। नंबर चार, सब्जी वाला ताज़ी सब्जियाँ लाता है, ये सही है। बच्चों सब्जी वाला ही हमारे लिए सब्जियाँ लाता है, तो हम इस पे राइट का निशान लगाएंगे। नंबर घा पे है बच्चों, बताइए कौन। नंबर एक, जो व्यक्ति पढ़ाता है, जो व्यक्ति पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, अध्यापक। तो यहाँ पे अपने को सामने, इसके नंबर एक के सामने अपने को अध्यापक लिखना है। नंबर दो, जो व्यक्ति कपड़े सिलता है, दर्जी कपड़े सिलता है, तो नंबर दो के सामने अपने को दर्जी लिखना है। नंबर तीन, जो व्यक्ति कपड़े धोता है, हमारे कपड़े कौन धोता है बच्चों, धोबी धोता है, तो नंबर तीन के आगे अपने को धोबी लिखना है। नंबर चार, जो व्यक्ति दूध लाता है, दूध वाला हमारे लिए दूध लाता है, तो नंबर चार के सामने अपने को दूध वाला लिखना है। नंबर पाँच, जो व्यक्ति सब्जियां लाता है, सब्जी वाला हमारे लिए सब्जियां लाता है, तो नंबर पाँच के सामने सब्जी वाला लिखना है। नंबर अंगा पे है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम प्रश्न उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे। नंबर प्रश्न नंबर एक है, सहायक किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर एक है बच्चों, सहायक किसे कहते हैं। उत्तर, वे व्यक्ति जो भिन्न भिन्न कार्यों में हमारी सहायता करते हैं, सहायक कहलाते हैं। नंबर दो प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर दो है, हमारे लिए अनाज कौन उगाता है। उत्तर है बच्चों, हमारे लिए अनाज किसान उगाता है। नंबर तीन, हमारा उपचार कौन करता है, हमारा उपचार डॉक्टर करता है। उत्तर है बच्चों, हमारा उपचार डॉक्टर करता है। नंबर चार, पुलिस क्या कार्य करती है। उत्तर है बच्चों, पुलिस हमारी जान माल की रक्षा करती है। खेल खेल में बच्चों देखो, ये तीन चित्र दिए गए हैं, इनको आपको पहचानना है और उसके नीचे लिखना है ये चित्र किसका है। दिए गए सहायकों को पहचानिए तथा उनके नाम लिखिए। ये जो पहला चित्र है बच्चों, इसमें ये वर्दी पहने हैं, कैप लगाए हैं, ये है पुलिस, इसके नीचे अपने को पुलिस लिखना है। नंबर दो है बच्चों, दूध वाला, ये जो बर्तन डिब्बे लेके आया है, ये दूध वाला है बच्चों। नंबर तीन, ये वाइट ड्रेस में बैठा है, टाई लगा है, ये बच्चों डॉक्टर है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर अपना यहीं ख़त्म होता है। अब आगे के लिए अपन अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। मैम जी बोल रहे हैं।